की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी भी असम में फिर से एक बार सरकार बनाने का नारा दे रही है। असम को लेकर हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने गृहमंत्री अमित शाह से खास बातचीत की है। बात करते हैं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी से। सर, असम का लगातार आप भी दौरा कर रहे हैं, कई स्टेट, 5 स्टेट हो रहा है, असम पर भी अंतिम दौर में चुनाव प्रचार चल रहा है और हम लोग भी असम कई जगह गए हैं। आपको लग रहा है कि इस बार डबल इंजन की सरकार फिर से वापसी होगी, क्योंकि आपका नारा ही है एक बार फिर मोदी सरकार? नहीं, सही बात है, हम फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर यहाँ आ रहे हैं सर। लेकिन कांग्रेस कह रही कि एक बार फिर मोदी सरकार का क्या मतलब? फिर एक बार मोदी सरकार मतलब फिर एक बार भाजपा सरकार। अब कांग्रेस को इतना भी समझ में नहीं आता है तो हम क्या करें। बदरुद्दीन अजमल, जिनके बारे में 2016 में अलायंस नहीं हुआ था कांग्रेस का, आपको लग रहा है कि कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल का जो अलायंस हुआ है वो बराक वैली और अपर असम में कुछ नुकसान कर सकता है? तरुण गोगोई का एपिसोड अलग है सर इसमें। निश्चित रूप से कांग्रेस का ये बड़ा नुकसान करेगा। पूरा असम इस अलायंस को ध्यान से देख रहा है कि असम में बदरुद्दीन को साथ में रखकर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है, कि हम फिर से घुसपैठ बढ़ाएंगे, हम फिर से आतंकवाद को बढ़ाएंगे। एक जमाने में कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहाँ कहा कहते थे हुईज बदरुद्दीन, आज कांग्रेस पार्टी वो भूल गई है। हमने 5 साल के अंदर आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाया, आंदोलन मुक्त बनाया, कर्फ्यू मुक्त बनाया, भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, घुसपैठ रोक दी गई है और कांग्रेस अब फिर से एक बार बदरुद्दीन को साथ में रखकर घुसपैठ बढ़ाना चाहती है। एक अजीब प्रकार की सेक्युलर पार्टी है जो यहाँ बदरुद्दीन अजमल के साथ आती है, बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के साथ आती है और केरल में मुस्लिम लीग के साथ आती है। मेरी तो सेक्युलरिज्म इनका समझ में नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी वोट प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है, मगर मैं आपको बताता हूँ विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। हमने 5 साल में ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए हैं, 20,000 किलोमीटर का रोड का जाला बुना है, हमने काजीरंगा से अंदर से घुसपैठियों को भगाया है, हमने शंकरदेव की सत्र पर जो जमीन कब्जाई थी घुसपैठियों ने उसको मुक्त कराने का काम किया है, हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है और विकास के मामले में आसाम आज किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। हर गरीब को घर, हर गरीब को शौचालय, हर गरीब को बिजली, हर गरीब को अब शुद्ध पीने का पानी पहुंचने की शुरुआत हुई है, हर गरीब के घर में गैस दिया है, हर गरीब को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मैं समझता हूँ आसाम की जनता को विकास चाहिए, शांति चाहिए, फिर से घुसपैठ और आतंकवाद नहीं चाहिए। यहाँ फिर से एक बार डबल इंजन की ही भाजपा सरकार बनने जा रही है। सर, चाय बगान को लेकर राहुल गांधी हों या प्रियंका वाड्रा हों, ये दोनों कह रही हैं कि बीजेपी और जो वायदा किया था 2016 में पुराने में, हम आएंगे तो उससे ज़्यादा देंगे, चाय मालिकों को भी खुश करेंगे और चाय मजदूरों को, ये बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर। देखिए, वादा करना बहुत सरल होता है। हमने चाय बागान के श्रमिकों के लिए ढेर सारा किया। कांग्रेस पार्टी ने 15 सालों से जो वेतनमान था उसको 2.5 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने हर सगर्भा चाय बागान मजदूर माता को 12,000 रुपया दिया है, पोषणक्षम आहार पहुँचा है। बिचौलिए उनकी मजदूरी काट लेते थे, 7.5 लाख से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलाकर हमने चाय बागानों के सीधा DBT ट्रांसफ़र करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी जी ने इस बजट के अंदर 1,000 करोड़ का एक स्कीम लाकर वहाँ पर रहने के मकान, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं और वहाँ पर स्कूल की व्यवस्था करने की एक योजना लाए हैं। और हमारे घोषणा पत्र की राह देखिए, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा पत्र डिक्लेयर करते हैं, चाय बागान के एक भी श्रमिक को कोई शक सुबह नहीं रह जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही उनका विकास कर रही है। सर, आप लोग बड़े बहुत मेहनत से और देश की जो आकांक्षा थी 370 हो, 35 हो और CA है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हम सरकार बनाते के साथ CA लागू नहीं होने देंगे किसी सूरत में। वो तो कहते हैं NRC भी नहीं आनी चाहिए, वो क्यों नहीं बोलते आसाम में? राहुल गांधी ने जोर से बोलना चाहिए आसाम में NRC नहीं चाहिए, दिल्ली में NRC नहीं चाहिए कहते हैं, यहाँ पर चुप हो जाते हैं क्यों? एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आप विकास की बात करते हैं और कांग्रेस कहती है कि आप नफरत फैलाते हैं, राहुल गांधी कहते हैं आप नफरत फैलाते हैं। देश की जनता ने तय कर दिया है, 30 साल तक इस देश में मिली जुली सरकार रही, सरकारों का दौर रहा, बड़ा दौर रहा,
मिली जुली सरकारों का, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दो बार दो तिहाई बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। देश ही तय करता है कि कौन नफरत फैलाता है और कौन विकास करता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा मैन दिनेशन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, असम। गृह मंत्री अमित शाह दावा करते हुए कि असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। एक छोटा सा ब्रेक फॉरन। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।